अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कमर रसूल है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ DHU हॉस्पिटल हाफिजाबाद में। आज हम कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर की बातें करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, बिला वजह अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर एमरजेंसी की सूरत में आपको घरों से बाहर निकलना पड़ता है तो फेस मास्क पहनिए, ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए और घर वापस आने पर अपने हाथ साबुन के साथ कम से कम 25 सेकंड के लिए अच्छी तरह धोएं। हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए और वो सैनिटाइजर्स जो कि अल्कोहल कंटेनिंग है उसका इस्तेमाल ज़्यादा मोसर साबित है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स पीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, मीट खाइए और कोशिश करें कि अपने घरों में रहें। सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए ज़रूरी है कि CDC की लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे बंदे जिनके जिस्म में कोरोना वायरस मौजूद है और जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो अगर खांसी करते हैं या स्नीज आउट करते हैं तो उनके जो जरासीम हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो 13 फीट तक ट्रेवल करते हैं और खुदा न खास्ता अगर आप उनके जोन में आ गए तो वो वायरस आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे लग के आपके जिस्म में एंटर हो सकता है और आप भी कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं। ज़रूरी है कि आप घरों में रहिए, हुकूमत की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। ऐसे लोग जिनको अस्थमा है, जो कि दमे की मर्ज में मुबतला हैं, वो रमज़ान शरीफ में अपनी जो मेडिसिन हैं, अपने जो इनहेलर्स हैं, वो ले सकते हैं। सुबह सहरी करके अपनी दवाई लें, अपना इन पंप लें और अफ्तारी के बाद भी अपनी दवाई लें। खुदा ना खास्ता अगर वो महसूस करते हैं कि रोज़े की हालत में उनका सांस ख़राब हो रहा है या उनको सांस की दुश्वारी हो रही है तो वो रेस्क्यू थेरेपी ले सकते हैं, या उन्हें लगता है कि वो रोज़े नहीं रख पा रहे तो रमज़ान के रोज़े बाद में रख लें या किसी गरीब को खाना खिला दें। दीन में इस बात की इजाज़त दी गई है। ऐसे लोग जो स्मोकर हैं और जिनको COPD का मर्ज़ है, वो लोग स्मोकिंग से बचें, स्मोकिंग ना करें, एयर पोल्यूशन को बचाएं और अपने जिस्म को तवाना रखें। सारे लोग एहतियातें करें, अपने हाथ बार बार धोएं, साबुन के साथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार कीजिए। अगर आपको किसी किस्म के सवालात हैं और आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो हाई नून रेस्पिरेटरी हेल्पलाइन है, वहाँ 24 घंटे आप कॉल करके किसी भी किस्म की आप मदद ले सकते हैं। उसका नंबर है 021-111-111-465। थैंक यू सो मच।